सो गाइज अभी सिमारा लवांग जो माउंट ब्रोंग के पास हम रुके हुए थे, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं लुमांग चांग के लिए। यहाँ से करीब 3 घंटे का जर्नी है, करीब 70-80 किलोमीटर का जर्नी है। देखते हैं अभी का जर्नी कैसा रहता है। अभी फिलहाल 3-3.5 के आसपास कुछ हो रहा है। 3 घंटे का जर्नी है, 70-80 किलोमीटर के आसपास। पता नहीं रास्ता कैसा होगा और वेदर कैसा होगा वहाँ पे, लेट्स सी। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जहाँ पे रुके हुए थे ये था ब्रोमो के पास, एक व्यू गोमो होम स्टे करके एक होम स्टे था, होटल का आप कह सकते हो। हम वहाँ पे रुके हुए थे और हमें यहाँ से जाना था लुमाजांग, जहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसका नाम है तुम्पक्सी वाटरफॉल। तो हमें गूगल मैप शुरुआत में दिखा रहा था 92 किलोमीटर, जो कि 2.5 घंटे के आसपास कुछ लगने वाला था, बट हमें लेना था शॉर्टकट कि हम जल्दी पहुँच जाए। और ये है शॉर्टकट वे, जो करीब 74 किलोमीटर के आसपास कुछ था। लगभग 20 से 22 किलोमीटर हमें कम पड़ रहा था अगर हम इस रास्ते से होके इस जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि हमें एक काउचसर्फिंग होस्ट मिला था तो उनका घर यहीं पे था, तो हमें यहाँ जाना था। तो हमें रोड पता नहीं था कि क्या होगा, ये मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगा। मैं आपको अवॉइड करूँगा इस रोड से जाने के लिए। सबसे अच्छा होगा आप यहाँ से मलंग चले जाए, मलंग में रुक के आप एक दिन का सफ़र करके तुम्पक्सी होटल करके वापस मलंग आ जाए, या फिर हम मलंग में रुक के या फिर मलंग शहर होते हुए ये जो हाईवे आपको दिख रही है वहाँ से आप उस तुम्पक्सी वाटरफॉल के आसपास आप कहीं पे रुक सकते हैं। वहाँ पे एकोमोडेशन की थोड़ी सी कमी है, तो आप चाहें पे booking.com से देख के आप वहाँ पे रुक सकते हैं, अदरवाइज़ मलंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं वीडियोज़ में क्या होता है। तो एडवेंचर जर्नी किसे कहते हैं, नीचे थे ऊपर आ गए। नीचे तो दिख रहा था, अभी ऊपर आने का कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक दिन का भी नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा फॉग के बादलों के अंदर से हम जा रहे हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिखा रहा। दो पहाड़ के बीच में से रास्ता है, मतलब पास की तरह है। ऊपर से यहाँ पे मस्त लोग चाय कॉफी सुट्टे का मज़ा लेते हुए, और हम जा रहे हैं दो पहाड़ों के बीच में, मतलब यहाँ से अगर गिरे तो बस खत्म, पापड़ बन जाएंगे, वो भी बिना लिज्जत वाले। बाकी में बहुत बहुत मजा आ रहा है, मतलब माउंट ब्रोमो जो है हम लोगों का बाली जावा का, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। मतलब माउंट ब्रोमो इज अमेजिंग, मतलब आप लोगों को अगर हिल स्टेशन पसंद है, पहाड़ पसंद है, बाइक एडवेंचर पसंद है, तो भाई माउंट ब्रोमो आओ। लास्ट पे पानी जम गया है, मुझे लगता नहीं कि माउंट ब्रोमो का नेशनल पार्क, माउंट ब्रोमो सुमेरु नेशनल पार्क के एक छोटा सा विलेज में हूँ। यहाँ पे ना बारिश हो रही है और वेदर तो ऐसा चेंज हो गया, मतलब क्या ही बोलूँ, समझ ही नहीं आया, इतना अच्छा वेदर हो गया। हल्के हल्के पानी हो रही है, बादल तो है ही, बादलों के बीच हूँ, एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पे एक छोटा सा टपरी चाय का दुकान दिखा है, यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि रुकना तो है ही, क्योंकि नहीं तो पूरा गीला हो जाएंगे और तबीयत हमारी बहुत ख़राब हो जाएगी। अब खैर छोड़िए, अब वादियाँ देखिए और नज़ारे देखिए, यहाँ पर कितनी शानदार है। यहाँ पर फिलहाल अभी चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं और मतलब अल्टीमेट मज़ा आ गया। नीचे ब्रोमो से बहुत ऊपर पे हैं अभी फ़िलहाल, और अभी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, एक विलेज में हूँ। अल्टीमेटली ये नज़ारा देख के मतलब दिल भाग गया। मैं बार बार वही कहूँगा कि माउंट ब्रोमो एक बार फिर से मैं आऊँगा, और आप लोगों को भी 110% मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आ पाए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए कैमरा कितना जस्टिफाइज करेगा कि नहीं, मेरी फीलिंग्स कितनी आप लोगों तक पहुंच पाती है कि नहीं, बट मैं दिल से आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है, और जो मुझे सही फीलिंग लगती है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। ज़्यादा बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अंदर चले जाता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ। मेरे कैमरे की तो पूरी लग गई है, ये हमारा बाइक अंदर वहाँ पर पार्क किया हुआ है और एक दुकान है यहाँ पे,
Hello. Hello. Video itu mas yo. India. Yes, India. Shah Rukh Khan. Yeah, you know. काफी खुश है लग रहा है इन लोग नाम सुन के दादा भी खुश हो गए हेमा मालिनी हेमा मालिनी का नाम दादाजी को अपने जवानी के दिन याद आ गया हेमा मालिनी का नाम सुन के berarti sing nyanyi anu itu acak-acak nahi nahi iku mas yo you know kuch kuch hota hai iyo kuch kuch hota hai iku yo lagu ni iku you know very lagana lagana ganda chilo na eta salman khan to thand mein hum log matlab हालत खस्ता हो गई थी हम लोग ठंड से मेरे तो नाक भी बंद हो गया था ठंड से इतना ज्यादा फॉगी वेदर है तो ये जो मतलब पहाड़ी गांव है ये ब्रोमो का जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ही है आता है तो बेसिकली हम लोग ये दादा दादी का दुकान देख के सोचे कि चलो चाय या कॉफी पी लेते हैं ठंड लग रहा है तो दादा दादी के दुकान पे आ गए तो लगा कि हाँ चलो कॉफी खाते हैं तो कॉफी पीने बैठ गए यहाँ पे हम लोगों के एक्सेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है हम लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है पानी में क्यों क्योंकि हम लोग हिंदी बोली नहीं आती इसलिए मजा ले रहे हैं हम लोगों का ओके बाय बाय त्रिमा का से तो अभी वापस हम जा रहे हैं यहाँ से त्रिमा का से तो यहाँ पे 10-15 मिनट चाय कॉफी पीने के बाद दो लोकल्स मिले इंडोनेशियन के बॉलीवुड गाना भी सुना है उनको काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए इन लोग और कुछ उनको लग रहा था कि कुछ सुवेनियर्स उनको लगे इंडिया से हम लाए हैं या फिर उनके पास हमारे पास होगा करके तो हमारे पास देने के लिए कुछ था नहीं तो हमने मेरे पास कॉइन्स थे इंडियन रुपीज़ का तो एक एक रुपए का कॉइन इनको मैं दे दिया तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थैंक यू सो मच नाइस टू मीट यू लेट्स गो टुगेदर दे आर आल्सो गो टू सिंदूरा अब बारिश की मात्रा बढ़ गई है अब बिना रेनकोट के काम नहीं चल पाएगा अब रेनकोट निकालना ही पड़ेगा दादा ने अपना रेनकोट निकाल लिया ताबड़तोड़ वाला रेनकोट मतलब हमारे पास सब जुगाड़ है ऐसा कोई जुगाड़ चीज़ नहीं छोड़े कि कभी भी कोई भी चीज़ कमी ना पड़ जाए सिचुएशन को भापना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा बढ़िया रेनकोट है रात के लिए खास रिफ्लेक्टर के है और बारिश हल्की हल्की से हो रही है नीचे जा रहे हैं पता नहीं नीचे में भी बारिश होगी कि नहीं आई डोंट नो और इधर पूरा रेनी वेदर बन चुका है अब तो अगले 30 से 40 किलोमीटर हम किस परिस्थिति में गुजरे मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैंने इतनी ख़तरनाक और इतनी ज़्यादा बारिश में और ऐसे रोड में हमने बाइक चलाया हमने सपने में भी नहीं सोचा था वॉल्केनो के ऊपर से रास्ते से ऐसे ऐसे जंगलों के बीच से हम होते हुए उस जगह पे पहुँचे अनबिलीवेबल बारिश हो ही जा रही है रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है गांव के अंदर से होते हुए जंगल के बीच से हम कैसे कैसे पहुँचे वो सिर्फ हम ही जानते हैं सिर्फ यही मोबाइल से एक ही शूट किया हुआ था जो मैं वीडियो किया आगे आपको बताता हूँ मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा रास्ता होगा मैं
गूगल मैप में जो रास्ता दिखाया था माउंट ब्रोमो से लेके यहाँ पे जहाँ पर हम आइए लुमाजंग करके एक छोटा सा विलेज है, यहाँ पे आया हूँ मैं। 3.5-4 घंटे का जर्नी, हॉरिबल जर्नी था। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप तुम्पक से वाटरफॉल या फिर लुमाजंग आप इस तरफ अगर आप आते हो तो कभी ये वाला रूट कभी मत फॉलो करें। रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ब्रोमो तक ठीक था, माउंटेन तक ठीक था, उसके बाद जो बारिश स्टार्ट हुई, मूसलाधार बारिश स्टार्ट हुई, मतलब क्या बोलूँ, उसके बाद तो रोड इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा पतली सड़क थी और रोड तो मतलब है ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया था हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक्चुअली पता ही नहीं था, मैं क्या ही बोलूँ। प्रीतम दादा को भी, प्रीतम दादा ने मुझ पर भरोसा करके आए थे और उनको मैं ऐसे रास्ते पर लेके आया, अब उनको भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं उनको तहे दिल से मैं सॉरी कह सकता हूँ कि मैंने उनको ऐसे रास्ते पर लेके आया। हमेशा वो एक प्लानिंग रखते हैं और एक प्लानिंग भी रखते हैं और मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो इससे मुझे एक सीख मिली कि आगे से मैं ध्यान रखूँगा और ऐसे रूट को ना चूज़ करते हुए कोई अच्छा रूट और प्लानिंग भी सारी चीज़ रिसर्च करके आऊँगा। और ये सारी चीज़ मैं आपको भी बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे करते हो तो प्लानिंग भी रखा करो। तो फिलहाल वो कहानी मैं आपको मैं बाद में बता दूँगा। अभी फ़िलहाल एक जगह पे आया हूँ, यहाँ पे मैं किसी होम स्टे, होटल या फिर रेस्टोरेंट, किसी रिजॉर्ट में ही आया हूँ। ये काउचसर्फिंग एक एप्लीकेशन है, आप सबको पता है। तो काउचसर्फिंग के थ्रू मैंने उनसे पहले बातचीत किया था, तो उनके थ्रू मैं आया हूँ, उनके घर पर आया हूँ इन्वाइट के लिए। तो मैंने उनसे बात किया था आने के पहले और फिलहाल मैं आ गया उनके घर पर। अब उनसे मैं मिलाता हूँ, उनके फैमिली से। ये उनका घर है छोटा सा, तो मैं अंदर जाता हूँ और उनके फैमिली से मिलाता हूँ आपको मैं। ये इनका घर है यहाँ से। दिस इज नेपाल, दिस इज चाइना एंड आई लिव हियर। मीट इज MD चंद्रा। थैंक यू सो मच फॉर योर होस्टिंग अस। सामा। एंड दिस इज टोटली द माउंटेन एरिया। ये प्रीतम दादा है। ओके, और वी हैव स्नो कैप माउंटेंस हियर। ये छोटा सा घर है, काफ़ी प्यारा सा, काफ़ी शानदार सा घर है इनका। शायद उन्होंने हमारे लिए डिनर भी बनाया, राइट? फॉर डिनर फॉर अस। या थैंक यू वेरी वेरी सो मच। वी हैव माउंटेंस लाइक दिस। ये राइस है। ये शायद दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंटेन चिकन, इट इज कॉल्ड कंचनजंगा। दिस इज चटनी में भी। व्हाट इज कॉल्ड दिस वन? साते। ओके, सॉरी मैं भूल गया हूँ, शायद ये साते हैं। वी लिव इन दिस, वी लिव इन दिस सम इंडिया। वी हैव 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लाइक यू हैव प्रोविंसेस, वी हैव स्टेट्स। लाइक हैव यू एवर टेस्टेड इंडियन फूड बिफोर? नो, नेवर। नो, मेबी आई कैन, मेबी आई कैन कुक चिकन करी टुमारो फॉर यू, इंडियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल। ओके 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 ओके, बिकॉज़ आई हैव सम स्पाइसेस विद मी, सो आई कैन कुक for you. Okay, is it okay? Okay, yeah, okay. Tomorrow, so shokal wala, tomorrow morning we'll go to visit a volcano. Where? It's 5 minutes away from here and we can eat breakfast there, right? Yeah, it's very nice. Okay. He showed and coffee also, he showed me the photo. Okay. It's very beautiful, just like Mount Bromo. Okay, fir it's called Sumeru, right? Yes, Sumeru. Okay, fir fir wahan se lot ke aayenge, then we'll visit Tumpak Sewu. Okay. What time is the good time to visit Tumpak Sewu? It's all time. It's good. Okay. Is it crowded all the time? No. Tumpak Sewu is good. Okay. We hope weather is good. That's the main concern. Always open. That's the main concern. How long we go there? Go to waterfall? Yes. Bottom. Maybe 20 minutes. 20 minutes. Yeah. And then climb up around 1 hour. Go to? No. After up from the bottom. Bottom go to climb. Climb up around one hour. Yeah. It's very steep. 1 hour because maybe three viewpoint. Okay, 3 viewpoints. Yeah. Okay. Okay. That's why. Yes. Do you know how much is the charge for tourist? What is the entrance fee? Oh, entrance. Yeah. In the parking, 20 for parking, for entry. Okay, for 20 entry. Okay, and in the bottom, maybe 10. Okay, is ticket for tickets. For tickets. Tourist or local? For tourist. Okay, and maybe because I never pay. Okay. Because you are local. Yeah. You don't need to pay. Yeah. And then go to
next few points. 10 again. Yeah. Okay. Per person. Per person 10. For 14. Yes. Okay. Well, it's not that expensive. Yeah. In Bali, it is very expensive. Very expensive. Yeah, Bali is so much expensive. All the time. That's why everything is so much expensive. Let's go. Yeah. 5 months. What's her name? Hannah. Okay. Hannah, Askila, Khadija. We don't need to be here. She loves to play with cats. Yeah. Now she is trying to open the door for the cat. Hello, yeah, the guy. Your wife also works somewhere? No. Oh, she's a housewife. Yeah. Oh, okay. And is this your marriage's photo? Yeah. Ah.